मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान कह रहा है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकि शम्स। पीछे कुरान ने तज़किरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ज़्यादा मुशरिकीन का दबाव है कि कुरान कहता है कि अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो आप भी इनकी तरफ माइल हो जाते। तो ज़ाहिर है बहुत सख्त दबाव और जबर है आपके ऊपर। तो ऐसे मौके पे ऐसा काम करने की ज़रूरत है जिससे आपको साबित कदमी मिले और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा कुरान कहता है नमाज है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज को मजबूती से थामिए ताकि आपको साबित कदमी मिले, आपको अल्लाह का कुर्ब मिले। क्योंकि जिस अल्लाह के लिए काम किया जा रहा है ना, जब तक उस अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो उस काम में आप साबित कदम नहीं रह सकते। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। इसलिए कुरान कहता है अक़ीमिस्सलाता आप नमाज कायम कीजिए, लिदुलूकि शम्स सूरज के ढलने के वक्त। सूरज कब ढलता है? जब बिल्कुल बुलंदी पे जाके ढलना शुरू होता है तो जोहर का वक्त शुरू होता है। इला गसक़िल लैल रात के अंधेरों तक। यानी इसमें चार नमाजें आ गई। सूरज जब ढलता है ना बिल्कुल बुलंदी पर होता है, थोड़ा सा ढलता है जोहर का वक्त, मज़ीद ढलान पैदा होती है असर का वक्त, मज़ीद ढलता है मगरिब का वक्त, और फिर इला गसक़िल लैल सूरज तो गायब हो जाता है मगरिब के बाद, फिर रात के अंधेरे में यानी ईशा का वक्त, व क़ुरआन अल फजरी और फजर के वक्त में, फजर के तिलावत के वक्त में। तो कुरान में इशारा कर दिया कि असल तिलावत का वक्त है ही फजर का। आज बाज़ इमामों को हमने देखा फजर में बड़ी मुख्तसर तिलावत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुन्नत है फजर में तिवाल मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक की जो लंबी लंबी सूरतें उनको तिलावत किया जाए। तो फजर के कुरान के वक्त भी आप नमाज कायम कीजिए। इन्ना कुरान अल फजरी बेशक फजर का जो कुरान है, फजर में जो तिलावत है, काना मशहूदा उसमें हाजिर होते हैं। कौन हाजिर होते हैं? हदीस से पता चलता है फरिश्ते। फजर का वक्त इतना मुबारक वक्त है, जब उसमें इमाम साहब क़िरात करते हैं और लोग हाथ बांध के पीछे इमाम की क़िरात सुनते हैं, एक ख़ास सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से, और फरिश्ते भी उस तिलावत में नाजिल होते हैं। सही हदीस से ये बात साबित है कि फ़रिश्ते जो तब्दील होते हैं ना, उनके आने जाने का वक्त और फजर और असर में है। वो जो फजर में फ़रिश्ते आते हैं इंसान की हिफाजत के लिए, लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। बहुत सारी मखलूक इस कायनात में ऐसी है जहाँ तक साइंस नहीं पहुँची और हो सकता है क़यामत तक पहुँच ही ना सके। वो इंसान की अकल से बालतर है वो मखलूक, और ये भी मुमकिन है पहुँच जाए साइंस तरक्की करके। वो मखलूक इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। तो उस मखलूक से बचाने के लिए, जिनमें जिन्नात हैं सरे फहरिस्त, उनसे बचाने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों का इंतज़ाम किया है। तो हदीस में आता है सुबह शाम, कुरान से भी ये बात साबित है, सुबह शाम फ़रिश्तों की बारियां चेंज होती हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होते हैं। तो उनकी जो हाज़िरी है उन फ़रिश्तों की, वो फ़जर के वक्त में होती है। और ये भी हदीस से साबित है कि बहुत से फ़रिश्ते सिर्फ तिलावत सुनने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। तहज्जुद के बारे में हदीस में आता है कि जब कोई शख्स तहज्जुद में कुरान की तिलावत करता है तो फ़रिश्ते आना शुरू होते हैं और उसके जो है ना लबों पे अपने मुंह को रख लेते हैं उसकी तिलावत को उचकने के लिए। इतना फ़रिश्तों को लुत्फ़ महसूस होता है तहज्जुद की तिलावत में। और फिर वो तांता बनाते बनाते जो है ना एक दूसरे पे सवार होते होते आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। तो फजर की नमाज में भी ये फजीलत है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फजर की नमाज की फजीलत को बयान किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं व अमीनल लैल, ये तो 5 नमाजें हो गई, ये तो सारी उम्मत पे फ़र्ज़ हैं, लेकिन रात के कुछ हिस्से में फ़तहज्जद बिही का मतलब इस हिस्से में आपने तहज्जुद पढ़नी है। नाफिलतल लक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके लिए इजाफा है। क्या मतलब? या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 6 नमाजें फ़र्ज़ थीं, यानी 5 फ़र्ज़ के अलावा तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। तो इसलिए कुरान ने कह दिया कि उम्मत पे तो 5 फ़र्ज़ हैं नाफिलतल लक, लेकिन ये तहज्जुद आपके लिए इजाफ़ी है, यानी आप पर 6 नमाजें फ़र्ज़ हैं। एक मतलब तो ये भी हो सकता है। और जो उलमा इसके कायल हैं कि नहीं नबी पर तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं थी, तो उनके नज़दीक इस आयत की तफसीर ये होगी कि ये आपके लिए एक इजाफ़ा है अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का। यानी 5 नमाजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन आप अल्लाह के क़ुर्ब के लिए एक इजाफ़ी चीज़ भी आपको दी जा रही है ताकि आपके दर्जात और ज़्यादा बुलंद हो। तो ऐसी सूरत में ये सिर्फ नबी के साथ ख़ास नहीं है, क्योंकि खिताब नबी से चल रहा है, इसलिए अल्लाह ने कह दिया आपके लिए इजाफ़ा, वरना हकीकत में पूरी उम्मत के लिए ये इजाफ़ा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं आसा यबअसका रब्बुका, उम्मीद है कि आपको आपका रब पहुंचा दे मकाम महमूद तक। ये मकाम महमूद क्या है? शफाअत कुबरा, यानी तमाम पैगंबर नबी के पास आएंगे कि आप सिफारिश से आगाज़ करें, यानी सिफारिश का आगाज़ आपसे होगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। तो ये एक सबसे ऊंचा मकाम है जो अल्लाह क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा, और जिससे आपकी तमाम पैगंबरों पर फजीलत साबित हो जाएगी कि जब तक आपकी तरफ से शफाअत की इब्तिदा नहीं होगी कोई और पैगंबर सिफारिश नहीं करेंगे। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दे रहा है कि ये मुशरिकीन का जो आप पे ऊपर बेपनाह दबाव है, जबर है, आप इसमें तसल्ली रखिए, आप नमाज कायम करें और तहज्जुद की पाबंदी करें, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा आगे चल के मकाम देना है। तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे ना, मुशरिकीन के दबाव की वजह से आप भी एक परेशानी में आते थे, तो इसलिए अल्लाह आपको साबित कदम रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरियाँ सुना रहा है कि आपने अपना इस अमल को फोकस करना है, नमाज और तहज्जुद को, ताकि आपका अल्लाह से क़ुर्ब रहे। और अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है कि उम्मीद है आपका रब आपको बहुत बड़े मकाम तक पहुँचा दे। रहा मसला मुशरिकीन की धमकियों का, कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मक्का से निकाल दें, तो हमने तो बता दिया कि ये ख़ुद भी नहीं पनप पाएंगे, लेकिन आपने अल्लाह से क्या दुआ मांगनी है? वक़ुर रब्बी, कह दीजिए ए मेरे रब, अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, मुझे मक्का में दाखिल कीजिए मरगूब दाखिला, अच्छा दाखिला, और मुझे मक्का से निकालिए भी अच्छे तरीके से, यानी अच्छा निकलना हो मेरा, ऐसा निकलना जिसके नताइज अच्छे हों। इसमें इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकालने पर मजबूर किया जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप मक्का से निकलेंगे। तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से दुआ सिखा रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जब मैं निकलूं तो मेरा दाखिला भी अच्छे तरीके से हो और मेरा निकलना भी अच्छे तरीके से हो, यानी पसंदीदा निकलना हो। सवाल पैदा होता है, निकलने का अमल तो पहले है और मक्का में दाखिले का अमल बाद में, तो निकलने का तस्करा पहले होना चाहिए कि अल्लाह मक्का से मुझे अच्छी तरीके से निकाल और मक्का में मुझे दाखिल भी अच्छे तरीके से करना, तो दाखिले का तस्करा पहले क्यों? तो इसमें बलागत का एक नुक्ता है कि पैगंबर का बुनियादी मकसद, वो हदफ है जो पैगंबर दुनिया में लेके आए हैं, तो उसकी आगाज़ तो मक्का से करना है जिसमें आपको भेजा गया, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर है, जहाँ बैतुल्ला है, इस्लाम का मरकज़ तो इस जगह से बनना है। तो इस जगह से अगर निकालना ही मकसद है तो ये जगह तो रह गई ना फिर, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मरकज़ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थीं। तो इसलिए असल मकसद तो ये कि मक्का में दाखिल में अच्छे तरीके से हूँ, जो पैगंबर का मकसद था दुनिया में आने का, मक्का फतह करके दाखिल हूँ, यहाँ मुझे गलबा मिले, और यहाँ मेरा जब दाखिला हो तो ऐसा दाखिला जिसको मैं पसंद करूँ। ये जो अभी मैं मक्का में कहीं सफ़र से जाके वापस आता हूँ, ये दाखिला वो दाखिला नहीं है जो मैं चाहता हूँ। तो चूँकि मक्का से निकलना मकसद नहीं है, निकाला इसलिए जा रहा है ताकि दाखिला एक ताकत के साथ हो और अच्छे तरीके से दाखिला हो, इसलिए उस दाखिले का तस्करा पहले किया जा रहा है। हाँ, वो दाखिला उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मक्का से एक दफ़ा आपका खुरूज ना हो, ताकि मदीना में रियासत बने और आप 10,000 का लश्कर लेकर फातिहाना अंदाज से मक्का में दाखिल हों, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको भेजा था वो मकसद पूरा हो। तो वो मकसद निकले बगैर पूरा हो नहीं सकता, इसलिए निकलने का तस्करा कर दिया, वरना असल मकसद तो ये है कि अल्लाह मैं मक्का से निकलना नहीं चाहता, मैं मक्का में दाखिला चाहता हूँ। दाखिला ऐसा होना चाहिए मुदखला सिद्क़िन, सच्चा मरगूब दाखिला होना चाहिए। चुनाचे अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, और जब नबी मक्का में दाखिल हुए निकलने के बाद, तो कैसा बेहतरीन आपने का दाखिला हुआ कि 10,000 का लश्कर लेकर आप गए, और मुशरिकीन मक्का आपसे मुआफ़ी की भीख मांग रहे थे। तो ये मक्की आयतें, उस वक्त तो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, लेकिन पैगंबर से इस तरह की दुआएं करवाई जा रही थी, वाखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, और अल्लाह मरगूब निकलना हो, यानी जब मैं निकलूँ तो भी मेरा अच्छा ठिकाना हो। चुनाचे आपका निकलना भी बड़ा अच्छा हुआ कि पूरा मदीना आपके इस्तकबाल में खड़ा हुआ था, और तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, ये जो तराने हैं, ये मदीना की बच्चियाँ आपके इस्तकबाल में पढ़ रही थी। तो आपका निकलना भी अच्छा हुआ, यानी मदीना में दाखिला जो मक्का से निकल के, और फिर जो मक्का में आना वो तो इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त और शान के साथ हुआ। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अल्लाह तू बना दे मेरे लिए अपने पास से ज़बरदस्त ताकत जिसमें मेरी मदद हो, गलबा दे दे मुझे मुशरिकीन पर। यह भी मुस्तकबिल की दुआ है जो उन हालात में नबी से मंगवाई जा रही है, और अल्लाह ने आपकी सारी दुआओं को कबूल किया, सुल्तान नसीर भी दे दिया आपको, गलबा भी दे दिया मक्का पे, ऐसा गलबा जिसमें अल्लाह की मदद थी, और वो कमज़ोर गलबा नहीं था, ताकतवर गलबे को सुल्तान कहा जाता है। और मदीना में जाना भी आपका पसंदीदा हुआ और मक्का में आना भी आपका पसंदीदा हुआ। और ए नबी आप ये भी कह दीजिए जा अल हक़्क़ु, हक़ आ चुका है, वज़हक़ल बातिल, और बातिल फ़ना हो चुका है। हालांकि जिस वक्त ये दुआ मंगवाई जा रही थी बातिल फ़ना नहीं हुआ था, लेकिन माजी से जब किसी चीज़ को ताबीर किया जाता है तो ये बताने के लिए गोया ये काम हो चुका है, हालांकि हुआ नहीं, होगा, लेकिन नबी की ज़बान से निकलवाया जा रहा है कि आप मुशरिकीन में ऐलान कर दें कि बस ये काम हो चुका है, हक़ आ गया, बातिल ख़त्म। और यानी होगा तो फ्यूचर में, लेकिन गोया अभी हो चुका है। इतना यकीनी है कि मैं तुम्हें इसकी पहले से खबर दे चुका हूँ कि बातिल अब पनपने नहीं पाएगा क्योंकि हक़ अब आ चुका है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल तो है ही फ़ना होने वाली चीज़, जब हक़ आता है तो बातिल फ़ना हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए ना, तो आप बुतों को छड़ियों से गिराते थे, छड़ी से मक्का में दाखिल होकर 360 बुत को एक एक करके छड़ी मारते थे और वो बुत उल्टे लुढ़कते थे। तो आप उस मौके पर ये आयत पढ़ रहे थे कि इन्नल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क्या कैफियत बनती होंगी सहाबा की और पैगम्बर की उस वक्त, कि जो खुशखबरी उनको 13 साल पहले दी गई थी, कई साल पहले दी गई थी और यकीनी दी गई थी कि ये हो चुका, तो अल्लाह ने अपनी आंखों से दिखा दिया कि कैसे बुतों को बैतुल्ला से निकाला जा रहा है और अल्लाह के घर को कैसे शिर्क से पाक किया जा रहा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और कुरान कह रहे हैं हम कुरान नाजिल करते हैं जिसमें मोमिनीन के लिए शिफ़ा है। यानी ए नबी आपकी तसल्ली के लिए और भी हम बताएं आपको कि हम ये जो आयतें नाजिल कर रहे हैं ना, इसमें मोमिनीन को भी शिफ़ा मिल रही है, उनकी इस्लाह हो रही है शिर्क से और बुरे अक़ीदों से, और मुसलमानों के लिए ये रहमत है, उनको तसल्लियाँ भी मिल रही हैं। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और ज़ालिमीन के खसारे में इजाफा हो रहा है क्योंकि ज़ालिमीन इस पर अमल नहीं कर रहे, हुज्जत तमाम हो रही है। वइज़ा नमना अल इंसानी आरद व नआ बिजानिबिही, कुरान कहते हैं हम जब इंसान पर एहसान करते हैं तो वो एराज़ करता है और अपने पहलू को हटा देता है। नेमत मिलने के बाद बजाय अल्लाह के करीब होने के अल्लाह से दूर होता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु, और जब इंसान को कोई मुसीबत पहुँचती है कान यऊसा, तो मायूस होने लगता है। यानी इंसान के बारे में शिकायत की जा रही है कि इसका अल्लाह पर ईमान नहीं है। पैगंबर का मकसद है अल्लाह से जोड़ना। तो ये जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, ये खुशियों में भी अल्लाह को भूलते हैं और गम में भी अल्लाह को भूलते हैं, असबाब को देखते हैं ज़्यादा। जब असबाब को आप देखते हो और परेशानी आती है तो असबाब बता रहे होते हैं, परेशानी दूर नहीं हो सकती, तो मायूस होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। और जब खुशी आती है तो अपना कमाल समझते हैं, लिहाजा इतराने लगते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। तो ए नबी इनसे कह दीजिए कुल्लु यामलु अला शाकिलती, हर शख्स अपनी नेचर के मुताबिक अमल कर रहा है। अच्छे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करते हैं और गम आता है तो मायूस नहीं होते, उनको पता है गम अल्लाह दूर कर सकता है। फरब्बुकुम अअलम, तुम्हारा रब खूब जानता है बिमन हुआ अहदा सबीला, कौन इन दोनों फरीक़ों में सीधे रास्ते पर चल रहा है। जो गमों में मायूस हो और खुशियों में इतराने लगे, खुदा से दूर हो जाए, वो गुमराही वाले रास्ते पर है। और जो खुशियों में अल्लाह के करीब आए, शुक्र अदा करे, और गमों में भी अल्लाह के करीब आए कि गम को अल्लाह ही दूर कर सकता है, मायूस ना हो, ये सीधे रास्ते पर है। अल्लाह खूब जानता है कौन सीधे रास्ते पर है, यानी इसमें अल्लाह ने इशारा दे दिया कि ये लोग सीधे रास्ते पर है, तो हमें ऐसा बनना चाहिए।